हेलो दोस्तों, साड़ी को महिलाओं का एक महत्वपूर्ण श्रृंगार माना गया है। भारत में होने वाले सभी त्योहारों पर महिलाएं अलग अलग तरह की साड़ियां पहनती हैं। दोस्तों, भारत में बनी साड़ियों की विदेशों में भी बहुत ज्यादा मांग है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारत में बनने वाली साड़ियों को किस तरह से फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं फैक्ट्री हंटर्स। दोस्तों, सबसे पहले साड़ी बनाने के लिए फैब्रिक यानी सिल्क को अलग अलग करके उसके गुच्छे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद उन गुच्छों को पानी में गर्म किया जाता है। उसके बाद उन गुच्छों को बाहर निकालकर उनका पानी निचोड़कर उन्हें सुखा लिया जाता है। फिर उसके बाद फैब्रिक को रंगने के लिए एक व्यक्ति गर्म पानी में रंग को मिक्स करता है। फिर उन गुच्छों को इस कलर वाले पानी में डाला जाता है तथा इस प्रोसेस को डाई करना कहा जाता है। कलर हो जाने के बाद इन फैब्रिक के गुच्छों को बाहर अच्छी तरह से धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद उस फैब्रिक को एक घूमने वाले चरखे की सहायता से उसे एक पास इकट्ठा किया जाता है। फिर उसके बाद बारी आती है साड़ी के बुनाई की, जिसके लिए कारीगर करघे में साड़ी की बुनाई करते हैं। तथा साड़ी को बुनते समय उसकी लंबाई, कलर और सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। उसके बाद साड़ी को अच्छी तरह से तह कर उसे पैक कर लिया जाता है। इस तरह से साड़ी बनाने की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तथा इस प्रकार से अलग अलग रंग व डिजाइन की साड़ियां तैयार कर ली जाती है। तो दोस्तों, ये थी साड़ी बनाने की कंप्लीट प्रोसेस। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।